Assalamu alaikum. Today we will solve MA2 BBPKit questions of chapter labor costing. Let's start. Question number 6.1. Gross wages incurred in department 1 in June were $54,000. जो ग्रॉस वेजेस इनकर्ड हुई है डिपार्टमेंट वन में वो कितनी है, वो है $54,000. द वेजेस एनालिसिस शोज द फॉलोइंग समरी ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रॉस पे. फॉलोइंग जो है हमें समरी बता रहे हैं ग्रॉस पे की, जो कि डायरेक्ट लेबर को और जो कि इनडायरेक्ट को पे हुआ है. ये डायरेक्ट को हुआ है और ये इनडायरेक्ट हुआ है. ओवर टाइम ऑर्डिनरी टाइम जो बेसिक पे है डायरेक्ट का वो है 25,185 और जो इसके अंदर प्रीमियम है ये तो ऑर्डिनरी टाइम आ गया, ये इसका ओवर टाइम बेसिक आ गया, ये इसका ओवर टाइम प्रीमियम आ गया, ये इसका बोनस की पेमेंट्स आ गई और ये सिक पे की लीव्स आ गई. ये डायरेक्ट की आ गई, ये इनडायरेक्ट की आ गई. वो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द डायरेक्ट वेज कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट वन इन जून. तो वो ये पूछना चाह रहा है डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट कितनी आएंगी जून में फॉर डिपार्टमेंट वन के लिए. तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस में बेसिक पे आ जाती है हमारे पास, बेसिक पे यहाँ पे जो ये ऑर्डिनरी टाइम लिखा है जो कि है 25,185. सेकेंड हमारे पास आ जाएगा ओवर टाइम बेसिक जो कि है 5,440. इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 25,185 + 5,440 30,625. बी इज द राइट आंसर. डायरेक्ट वेजेस के अंदर या डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट के अंदर बेसिक पे आता है, ओवर टाइम बेसिक आता है, ठीक है. इसके अलावा जो भी प्रीमियम वगैरह है वो सब चीज़ें इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाती हैं. तो ये हमारे पास दो ही चीज़ें डायरेक्ट लेबर की वेज कॉस्ट में जाएंगी, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6.2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर. इसमें से जो नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कौन सा लेबर टर्नओवर की कॉस्ट नहीं है. सबसे पहले तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर. लेबर टर्नओवर की कॉस्ट कौन सी नहीं है. द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉइज टू रिप्लेस दोज लीविंग. ये तो कॉस्ट है तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता. द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज वेस्टेज ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्टीज अमंग न्यू स्टाफ, दिस इज ऑल्सो अ लेबर टर्नओवर कॉस्ट. द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गॉन ऑन द आउटपुट लॉस ड्यू टू स्लोअर वर्किंग, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. द राइट आंसर इज द सैलरी पेड टू द पर्सनल मैनेजर. जो हम सैलरी पे करते हैं पर्सनल मैनेजर को, ये हमारे पास लेबर टर्नओवर की कॉस्ट नहीं होती, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ क्वेश्चन नंबर 6.3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ग्रुप बोनसेस स्कीम. नंबर वन, ग्रुप बोनस स्कीम्स आर अप्रोप्रिएट व्हेन इंक्रीज आउटपुट डिपेंड ऑन इट्स नंबर ऑफ पीपल ऑल मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट. नंबर टू, विद अ ग्रुप बोनस स्कीम इट इज इजियर टू रिवॉर्ड ईच इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. नंबर थर्ड, नॉन प्रोडक्शन एम्प्लॉयज कैन बी रिवॉर्डेड
एज पार्ट ऑफ द ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। सिर्फ वन तो नहीं हो सकता, वन है सही ऑप्शन। वन का मतलब क्या है कि ग्रुप बोनस स्कीम्स आर अप्रोप्रिएट व्हेन इंक्रीज आउटपुट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ पीपल ऑल मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। जब ज्यादा आउटपुट बन रहे हो और जो ज्यादा आउटपुट बनने के पीछे तमाम इंडिविजुअल्स की एफर्ट हो तो ग्रुप बोनस जो है वो अप्रोप्रिएट है। ये बात सही है। नंबर टू, विद अ ग्रुप बोनस स्कीम इट इज इजियर टू रिवॉर्ड ईच इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। नो, देयर आर मेनी अदर स्कीम्स जहाँ से हम इंडिविजुअल को बोनस दे सकते हैं। सिर्फ ग्रुप बोनस स्कीम एक वाहिद स्कीम नहीं है। तीसरा जो है, नॉन प्रोडक्शन एम्प्लॉयज कैन बी रिवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। जो हमारे पास सेल्स के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम ग्रुप बोनसेस के थ्रू रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो सी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन वन एंड थ्री इज द राइट आंसर। सिर्फ वन तो सही है लेकिन सिर्फ वन नहीं है, वन सही है लेकिन टू ऑप्शन गलत है। वन टू एंड थ्री तीनों नहीं हो सकते, तो वन एंड थ्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास है, सिक्स पॉइंट फोर। गिल्ड ट्रिप लिमिटेड बजट टू मेक 50,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इन 8 आवर्स ईच। जो गिल्ड ट्रिप्स लिमिटेड है वो बनाती है 50,000 यूनिट्स 8 घंटों में, और हर जो यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगते हैं। ड्यूरिंग अ बजट पीरियड ऑफ 4 लाख आवर्स, और जो उसको बजट पीरियड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 लाख घंटे, यानी कि वो 4 लाख घंटों में 50,000 यूनिट्स बनाती है और एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगाती है। एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड वॉज 54,000। एक्चुअल में क्या हुआ, 54,000 जो है वो यूनिट प्रोड्यूस हुए या बने, और उनको बनाने में 4,80,000 hours लगे। Which of the following options show the correct efficiency and capacity utilization ratio? तो हमें correct efficiency ratio and correct capacity utilization ratio निकालने। सबसे पहले हम निकालेंगे efficiency ratio। Efficiency ratio का हमारे पास formula होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स तो हमें पता है कि वो लगे हैं 4,80,000, लेकिन हमें स्टैंडर्ड आवर्स नहीं पता। स्टैंडर्ड आवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय आवर्स पर यूनिट। तो एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने की है 54,000 और एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगते हैं। 54,000 मल्टीप्लाई बाय 8, मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स आ गए हैं 4,32,000। मल्टीप्लाई बाय 100 4,32,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 90% हमारे पास एफिशिएंसी
रेशो आ गया दूसरा हमें निकालना है कैपेसिटी रेशो। कैपेसिटी रेशो का फॉर्मूला होता है HLRs डिवाइडेड बाय बजटेड आर्स। HLRs हमें पता है कि 4,80,000 लगे हैं और बजटेड आर्स सवाल में गिवन है। फोर लैख आवर्स बजटेड पीरियड ऑफ 4 लाख आवर्स। मल्टीप्लाई बाय 100 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 120%। 120% हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटी रेशो। राइट आंसर इज 90 और 120 बी। 90 हमारे पास एफिशिएंसी रेशो है और 120 हमारे पास कैपेसिटी रेशो है। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन नंबर 6.5। अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज टेम्पररी प्रोडक्शन प्रॉब्लम एंड ओवरटाइम इज बीइंग वर्क। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वहां पे टेम्पररी जो है वो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है और जहां पे ओवरटाइम जो है वो लग रहा है प्रोडक्शन प्रॉब्लम की वजह से। द अमाउंट ऑफ ओवरटाइम प्रीमियम कंटेन इन द वेजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर वुड नॉर्मली बी क्लास एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हम डायरेक्ट लेबर जो ये ओवर टाइम कर रहे हैं, इनका प्रीमियम जो है वो किस क्लास में क्लासिफाई होगा? तो ये चीज तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर का जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो हमेशा इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट में चार्ज होता है, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स में चार्ज होगा। बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट एक्सपेंस तो हो नहीं सकता, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी नहीं है हो सकता, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी नहीं हो सकता। डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम हमेशा हमेशा प्रोडक्शन ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 6.6। एन एम्प्लॉई इज पेड $8 पर पीस आर प्रोड्यूस। एम्प्लॉई को कितना हम पे करते हैं? एक पर पीस आर $8। इन अ 40 आवर्स ही प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। और उसने 40 घंटों में 40 आवर्स का वीक था, उसने फॉलोइंग यूनिट प्रोड्यूस करे। 6 यूनिट उसने प्रोड्यूस करे हैं एक्स के और 10 यूनिट उसने प्रोड्यूस किए हैं जेड के। जो एक्स का यूनिट थे उसको जो टाइम अलाउड था वो था 2 आवर्स, और जो जेड था उसका जो टाइम अलाउड था वो था 4 आवर्स। व्हाट इज द एम्प्लॉई पे फॉर द वीक? एम्प्लॉई की वीक की पे क्या होगी? सबसे पहले तो उसने प्रोड्यूस किए हैं प्रोडक्ट एक्स, उसकी उसने 6 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 2 आवर्स, यानी कि 6 × 2 = 12। और प्रोडक्ट जेड
के प्रोड्यूस हुए हैं 10 यूनिट्स, और एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 4, 10 फोर जा 40, दोनों को हम करेंगे प्लस आ जाएगा 52, यानी के 52 आवर्स जो है वो काम हुआ है, और पर पीस आर हमारे पास है $8, तो हम 52 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 8 से, हमारे पास आ जाएगा 416। तो जो उसकी जो वीक की पे है एम्प्लॉय की वो है 416। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6.7। अ कंपनी ऑपरेट्स अ पीस वर्क स्कीम टू पे इट्स स्टाफ। कंपनी जो है पीस वर्क स्कीम ऑपरेट करती है जिससे वो अपने स्टाफ को पे करती है, ठीक है, पीस वर्क स्कीम के थ्रू। द स्टाफ रिसीव 0.20 फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस। स्टाफ को हर यूनिट प्रोड्यूस करने के बदले कितना मिलता है? $0.20। हाउएवर द कंपनी गारंटीज दैट एवरी मेंबर ऑफ दैट ऑफ स्टाफ विल रिसीव एटलीस्ट $15 पर डे। लेकिन साथ ही साथ कंपनी इस बात की गारंटी करती है कि हर मेंबर को एटलीस्ट $15 तो एक दिन काम करने के पर डे मिलेंगे ही मिलेंगे। शोन बिलो इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर ए ड्यूरिंग अ रीसेंट वर्क। जो मंडे से फ्राइडे तक काम हुआ है और जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं ये उनकी समरी है। मंडे वाले दिन 90 यूनिट्स, ट्यूसडे वाले दिन 70, वेनसडे वाले दिन 75, थर्सडे वाले दिन 60, फ्राइडे वाले दिन 90। व्हाट आर ऑपरेटर्स एज अर्निंग फॉर द वीक? ऑपरेटर्स ए की अर्निंग बतानी है पूरे हफ्ते की। मंडे 90 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के बदले 0.20 18। फिर आ गया ट्यूसडे, 70 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के बदले 0.20। 70 मल्टीप्लाई बाय 0.20 14। 14 आंसर आ रहा है, लेकिन हम ऑपरेटर एक को 14 नहीं देंगे क्योंकि कंपनी ये गारंटी करती है कि हर मेंबर को कम से कम एटलीस्ट 15 पर डे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, कहीं पे अगर गारंटी पे की बात आ जाए तो अगर तो उसने गारंटी पे से ज्यादा कमाए होंगे तो वो एम्प्लॉय का, और अगर गारंटी पे से कम कमाए होंगे तो कम वाला नहीं, जो एटलीस्ट वाला रेट होगा वो ही हम उसको देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम इसको 15 देंगे, भले हमारे पास 14 वो उसे मिल रहा है लेकिन 14 गारंटी से तो कम है, इसलिए ये कंपनी की गारंटी पॉलिसी है कि एटलीस्ट हर मेंबर को 15 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आ गया वेनेसडे, वेनेसडे को 75 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के बदले 0.20। 75 मल्टीप्लाई बाय 0.20 हमारे पास 15 15 मिल जाएगा। फिर आ जाएगा थर्सडे, थर्सडे को 60 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.20 60 मल्टीप्लाई बाय 0.20 आ जाएगा 12। 12 हम इसको पे नहीं करेंगे क्योंकि ये गारंटी पे से कम है, इसको हम 15 पे करेंगे एटलीस्ट। फिर आ जाएगा फ्राइडे, 90 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं और एक यूनिट करने के बदले 0.20, और ये इसका आंसर आ जाएगा 18। इन सबको ऐड कर लेते हैं, 18 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 18 81। 81 इज द ऑपरेटर इज अर्निंग फॉर द वीक। हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर गारंटीड वेज हो तो गारंटीड वाली मिलेगी, अगर उससे कम होगी तो गारंटी वाली मिलेगी, और अगर ज्यादा होगी तो फिर वो जो ज्यादा वाली है वो ही मिलेगी।
आई होप आपको ये 7 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के आगे के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।